गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, वीडियो देख के तो पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। आज का वीडियो होने वाला है वंदे भारत पे, क्योंकि मैं जा रहा हूं अयोध्या श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। लेकिन ये वीडियो होगा केवल और केवल वंदे भारत का। इस वीडियो के अंदर होगा इसका किराया कितना है, इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और सबसे बड़ी खास बात तो इस ट्रेन में जो इसकी विशेषताएं हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर कुछ माइनस में है, निगेटिव है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो भी मैं बताऊंगा जो और कोई चैनल कवर नहीं करता है। दोस्तों, ये गाड़ी बहुत जानदार है, बहुत शानदार है। चलिए हम बात करते हैं अपनी वंदे भारत की। वंदे भारत ट्रेन ये दिल्ली से अयोध्या के लिए 30 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, और 22 जनवरी को जब प्राण प्रस्थान हुई थी उसके बाद से तो इसकी टिकट मिलनी भी मुश्किल हो गई है। दोस्तों, ये ट्रेन जाएगी दिल्ली से अयोध्या कैंट तक, और ये ट्रेन शुरू होती है सुबह 6:10 आनंद विहार प्लेट नंबर 1 से, और ये पहुँचती है अयोध्या कैंट 2:30 दोपहर के। दोस्तों, 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, ये ट्रेन अपने आपे में बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये 100% मेड इन इंडिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये हमारी इंडिया में ही बनी हुई ट्रेन है, और ये ट्रेन वर्ल्ड क्लास सर्विसेज से लेस है। वंदे भारत देश की पहली ट्रेन है जो दर्शाती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, और बेस्ट थिंग ये है ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, जो मैंने बताया आपको। आनंद विहार से चलकर ये ट्रेन केवल 2 स्टेशन पर रुक के और अयोध्या कैंट पहुंचती हैं। 2 स्टेशन कौन से हैं? पहले आनंद विहार से ये रुकती है कानपुर सेंट्रल, वहाँ पे इसका 10 का ब्रेक है। उसके बाद सेकेंड जो इसका स्टॉप है वो है आपका लखनऊ, और लखनऊ सेंट्रल पे ये भी इसका 10 का ही स्टॉप है, और थर्ड वन ये आपके अयोध्या कैंट पहुँच जाती है। दोस्तों, ये जर्नी आपको 8-9 के बीच में कंप्लीट करती है। जर्नी के दौरान आपको चाय, ब्रेकफास्ट, लंच भी प्रोवाइड किया जाता है। जब मैंने इसको यूज़ किया, चाय आप देख ही रहे हैं, मेरा दिल एकदम खुश हो गया। रीज़न क्या है, मुझे वो पुरानी वाली चाय की आदत थी कि यहाँ ट्रेन में ऐसी चाय मिलती है जो कभी भी पीने का मन नहीं करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें चाओस की चाय मिल रही है, मसाला चाय मिल रही है, मुझे तो समझ में आ गया कि क्वालिटी में काफ़ी मेंटेन्ड है। प्रोवाइड कर दिया है। ब्रेकफास्ट ऊपर से देखने से तो बड़ा यमी लग रहा था, काफ़ी सारे आइटम लग रहे थे। आनंदा का दही था और विंकीज़ का इसमें वनीला मफिन था, साथ में इसमें 2 चपाती थी थोड़ा पराठे टाइप में। उसके बाद इसे जब मैंने ओपन करा तो इसमें आलू भाजी की सब्जी थी, जो देखने में तो बड़ी यमी लग रही थी, बट निराशा ये लगी कि क्वांटिटी बहुत कम थी, और साथ में एक कटलेट भी था। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट में मैं आपको खा के इसका टेस्ट भी बता दूंगा, लेकिन मुझे
जो इसकी सब्जी देख के लगा कि ये तो वाकई में बहुत कम है, ये दो चपाती इससे नहीं खाई जा सकती। पर चलिए आगे शुरुआत करते हैं। लेकिन तभी मैंने अपने पड़ोस में देखा, जो मेरी बराबर वाली सीट पे था, वो भैया अपना जो बचा हुआ खाना था, जो जितना वो सब्जी से खा सकते थे उन्होंने खा लिया, साथ में वो भी सॉस से लगा के खा रहे थे क्योंकि उनकी सब्जी भी ख़त्म हो गई थी। तो इससे पता लगता है कि केवल मेरी सब्जी कम नहीं थी, वो उनकी भी सब्जी कम थी। तो भैया ने बताया, हाँ मैं सॉस से खा रहा हूँ। बट फिर भी कोई इतना बुरा नहीं था, ब्रेकफास्ट ठीक ठीक था, जैसे ट्रेन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सुधार किया जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि रेलवे इस पे थोड़ा ध्यान देगा। अब यहाँ हम आ गए हैं लखनऊ स्टेशन पे और टाइम हुआ है 12:15 के आसपास। तो मैंने सोचा 10 मिनट तो हैं, क्यों ना ट्रेन का एक वॉक अराउंड करा जाए। तो मैं चला गया आगे जहाँ पे अपने कैप्टन बैठे होते हैं ट्रेन के हेड पे। और देखने में तो ये ट्रेन बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपका जैसे विदेशों में हम पहले मूवीज़ में और टीवी में देखते थे, सेम वैसी ही ट्रेन है। इसके बाद इसमें दो क्लास होती हैं, ये आपकी जो क्लास है ये एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसमें केवल 2 सीट होती हैं हर साइड में और सीट काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं कंपैरेटिवली जो हमारी सीसी कार होती है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और जिससे कंफर्टेबली आदमी रिलैक्स कर सकता है। बुरी सीट ब्लू वाली भी नहीं होती हैं, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो इसमें बहुत कंपैरिजन करने के लिए है नहीं। केवल एक सीट जो यहाँ कम है वहाँ, उसकी वजह से काफ़ी स्पेस मिल जाता है। और चलिए अब हम बात करते हैं अपने लंच पे। लंच ब्रेकफास्ट से थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है, इसमें इन्होंने राइस दिया है और दाल दी है, अरहर की दाल थी इसमें और साथ में पनीर भी था और आपकी एक ड्राई सब्जी थी प्लस वही आनंदा की एक दही थी। लंच का लुफ्त लेने के बाद थोड़ी देर में हमारा डेस्टिनेशन आ गया था अयोध्या कैंट। ये हमारा अयोध्या कैंट का स्टेशन है। दोस्तों ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही और वंदे भारत का तो कुछ जवाब ही नहीं है। इम्प्रूवमेंट के चांसेस हर जगह होते हैं, तो जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं, जो दिखाई दे जाती हैं, वो भी जल्दी ही पूरी कर लेगा मुझे आशा है रेलवे से। चलिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो आपका रामलला के ऊपर होगा, अयोध्या के ऊपर होगा। बाय बाय, टेक केयर।